एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आप एक ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो ना जो आपके बॉडी के लिए एंड आपके स्किन के लिए हो एंड स्पेशली आपके लिए ही हो, तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि फ्रॉम द ब्रांड सतलीवा है। पहला तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी, ये जो है एक हैंडमेड सोप की। मेरे को बेसिकली हैंडमेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं इस ब्रांड का बता दूँ, ये ब्रांड जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक चीज़ करने की कोशिश कर रही है, वो है हेम्प ऑयल, जो कि कैनबीज होती है ना, जो अगर हम देसी भाषा में बोले जो गांजा की पौधा होता है उसी में से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इस ऑयल का, 100% नेचुरल है। उसी ऑयल के साथ साथ दूसरे ऑयल जैसे कि रोजमेरी ऑयल हो गया एंड जैसे कि इस सोप में ना अलग अलग कोकोनट ऑयल हो गया, उसी के साथ ब्लेंड करके ये एक हैंडमेड सोप जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका ना पैकेजिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लुक एट दिस, इस तरीके से आपको पैकेजिंग मिलेगा एंड इसके अंदर सोप है। मैं इसे इसलिए नहीं ओपन कर रही हूँ, एक बार आप सोप ओपन करते हो तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं। तो ये ना एक पर्सनल इंडिविजुअल यूज़ के लिए है। अगर आप एक ऐसा पर्सन हो जो हैंडमेड चीज़ें पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट करें। इसके जो भी प्रोडक्ट मैं आज आपको दिखाऊंगी, सारे प्रोडक्ट का जो भी लिंक वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट करें। इसका प्राइस वगैरह जो भी है आपको चेकआउट करने के बाद पता चल जाएगा। इनका जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ये होता है, रोज ये जो हेम्प ऑयल है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल वेज में एंड साथ ही साथ इसको ना कस्टमाइज करते हैं। दिस ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ये ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट है एंड इनका सेल्फ लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे कि ये सोप वगैरह है, क्रीम वगैरह है, सबका अलग अलग सेल्फ लाइफ है, 4 से लेकर 6 महीना तक, क्योंकि ये कोई भी अल्कोहल हो गया या दूसरे जो भी प्रोडक्ट में यूज़ होता है ना केमिकल्स, वो यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए शॉर्टर सेल्फ लाइफ है, ये आप ध्यान पे रखिएगा। वन मोर थिंग, इसके साथ ना आप 2 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए ये सोप या क्रीम कोई भी नहीं है। 2 साल से नीचे बच्चे को ऐसे भी कोई क्रीम या सोप बाहर का नहीं यूज कराना चाहिए। इसका फ्रेग्रेंस वगैरह मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो इनका ये क्रीम है ना, ये है एक स्ट्रेच मार्क के लिए। जब आप गेन करते हो या लूज करते हो तो आपको स्ट्रेच मार्क आ जाता है ना, तो स्ट्रेच मार्क रिमूव करने के लिए आपने बहुत सारे कुछ ट्राई किया होगा, एक बार इसको ट्राई करके देखना। ये है कोको ब्लिस का एक हेम्प ऑयल के साथ ब्लेंड करके आपके स्कार्स एंड स्ट्रेच मार्क के लिए बॉडी बॉटल। इसका भी जो सेल्फ लाइफ है वो 6 महीने का है। ये पर्सनली आप अपने स्ट्रेच एरियाज पे ही अप्लाई कीजिए एंड देखिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं ना वो थोड़ा टाइम लेता है वर्क करने में, ऐसे ओवरनाइट कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रखिए एंड धीरे धीरे जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते जाएंगे, जब वो प्रोडक्ट का जो इफेक्ट है, जो नेचुरल इफेक्ट है आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा, तब जाके आपको इसका जो है रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा सा एक टीन वाला कैन में ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी, जो बेसलिन होता है ना जेल लाइक कंसिस्टेंसी है एंड मैं इसकी फ्रेग्रेंस ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप एक कोई आयुर्वेदिक या कोई चीज़ें ऐसा खोलते हो ना जो आपको एक बहुत लाइट माइल्ड फ्रेग्रेंस देता है जिसे आप लगाना भी पसंद करते हो, इतना ज़्यादा ऑयली है एंड काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्टिव है। दोज हु हैव ड्राई स्किन लाइक मी, उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित है। एंड अभी ना स्ट्रेच मार्क वगैरह में ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो तो फिर हु लाइक स्ट्रेच मार्क, है ना। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करें। अब इसका ना मेरे पास और एक चीज़ है जो कि सबको पसंद है, वो है लिप बाम। एंड ये जो लिप बाम है ये ऑरेंज लिप बाम है, ऑरेंज विटामिन सी रिच होता है, इसमें भी सेम इन्होंने हेम्प ऑयल डाला है। हेम्प ऑयल को लेके मतलब ना आजकल ये थोड़ा सा स्टडी किया जा रहा है, ये कैनबीज का ऑयल है, सिर्फ एडेबल ऑयल के साथ साथ इसे आप मतलब क्रीम्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है, और क्या चाहिए। ये जो लिप बाम है ना इसका भी इसी तरीके से आपको 10 बॉक्स में मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्राई लिप, जो अगर चॉप्ड लिप हो रहा है तो आप इसे यूज़ करें। ऑर्गेनिक है, नो साइड इफेक्ट, देर इज नो केमिकल, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चन है मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।